आज हम लेकर आए हैं पत्ता गोभी से बनी हुई टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके की सब्जी। ये हमने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक लिया है और प्याज को हमने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है और इसी के साथ ही पत्ता गोभी को भी हमने ऐसे बड़े पीसेस में कट किया है। अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। हमने 3 मीडियम साइज की प्याज को इसमें ऐड किया है और इसी के साथ ही लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ऐड कर दी। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और बिना वाटर ऐड किए दरदरा सा पेस्ट बना ले, बहुत बारीक पेस्ट ना बनाए। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकाल के आगे रेसिपी में हम यूज़ करेंगे और थोड़ा सा पेस्ट इसी में छोड़ देंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि हम इसका क्या यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने इतना इसमें लिया और लगभग हाफ कप हमने अलग कर लिया। इसे साइड में रख दें और फिर इसमें पत्ता गोभी ऐड करें। पत्ता गोभी हमने थोड़ी बड़ी पीसेस ली है, अगर आपको पीसते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पत्ता गोभी को छोटा ही ऐड करें। सारे पत्ता गोभी ऐड करने के बाद अब इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा वाटर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको एक दो शिफ्ट में करते हुए पीस सकते हैं। बाइंडिंग के लिए अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। हम इसमें लगभग 1 कप बेसन ऐड कर रहे हैं। अगर बेसन से बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही है तो आप हल्का सा गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। एक बार इसको स्पून के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेसन ऐड करने से पत्ता गोभी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बेसन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, बहुत कम बेसन भी ना लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर ये आपको ज़्यादा गीला लग रहा है तब आप इसमें और बेसन भी ले सकते हैं। हमें उतना ही बेसन ऐड करना है जितने में इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। आप इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए हम इसे स्पून के हाथ से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो विस्कर के हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। इसी के साथ ही अब इसमें चुटकी भर गरम मसाला ऐड करेंगे। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, या आप इसमें कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। ये देखिए अब हम एक छोटी थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें बैटर ऐड कर देंगे। बैटर अभी हल्का सा गीला लग रहा है, जब ये कुक हो जाएगा तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको ऐसे फैला लें और बहुत ज़्यादा भी ना भरें, ऐसे अच्छी तरह से किनारों की साइड भी फैला लें। अब हम इसको स्टीम देंगे। एक कढ़ाई में वाटर ऐड करेंगे और इसी में एक स्टैंड रख देंगे, हाई फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। जब इसमें से स्टीम निकालने लगे तब हम थाली ऐड करेंगे और इसे ऐसे बीच में कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, आप चाहें तो हाई फ्लेम पे कुक भी कर सकते हैं, बस इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे कुक ना करें। ऐसे रखने के बाद अब इसे एक ढक्कन से ढक दें। ढकने के बाद हम इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक कुक करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। कि देखिए ऐसे नाइफ लेंगे, अगर नाइफ ऐसे प्लेन निकल रहा है तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप इसे ऐसे ही फ्रीज में रख दें। फ्रीज में रखने के बाद जब ये बिल्कुल सेट हो जाए तब ही इसे फ्रीज से बाहर निकालें, तब ये बहुत ही ईजिली कट हो जाएगा। ये देखिए आप नाइफ की हेल्प से चाहे जैसा कट कर लें, जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए इसके पीसेस कितने परफेक्ट बने हैं। हम बीच बीच में चेक करते हुए ही कुक करेंगे और ऐसे ही सारा निकाल के एक प्लेट में रख लें। अब इसे हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। एक फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करें और ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होने दें। जब इसमें छोटी सी बॉल्स ऐड करें, जब ये ऐसे फ्राई होने लगे तब इसमें एक एक करते हुए पीसेस ऐड करें। ये पीसेस बिल्कुल पनीर जैसे फ्राई होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं और उतने ही हेल्दी हैं। दूर दूर करते हुए ऐसे ऐड करें और फ्लेम को मीडियम या हाई रखें, हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। जितना फ्राइंग पैन में ऐड हो जा रहा है उतना ऐड कर दें और थोड़ी देर तक इसको फ्राई होने दें, जब तक ये नीचे से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। जब इसका कलर हल्का चेंज होने लगे तब इसे एक स्पैचुला या फॉक के हाथ से ऐसे पलट लें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ऐसे ही पलट लें और दोनों साइड हमें सेम कलर का होने तक फ्राई करना है।
हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकती हो। एक एक करते हुए पलट लें और अगर बीच में ये जल रहा है तब आप फ्लेम को लो या मीडियम कर दें। स्टार्टिंग में हम फ्लेम को हाई रखेंगे। थोड़ी देर में ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम कलर का फ्राई हो जाएगा, ये देखिए, और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। बीच बीच में पलटते रहें, अब ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है और देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल पनीर जैसा। एक एक करते हुए हम प्लेट में निकालेंगे और बाकी बचे हुए को भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। हमने लगभग 1/4 टीस्पून जीरा लिया है और इसी के साथ ही हम इसमें एक इलायची ऐड कर देंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी सूखे मसाले ऐड कर सकती हो। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब इसमें जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रखा था उसको ऐड कर दें। हम इसमें पेस्ट ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकती हो। पेस्ट ऐड करने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे हम लगभग 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक प्याज अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें लगभग 1 कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर को हमने बिना वाटर ऐड किए इसकी प्यूरी बनाई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे भी 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, जब तक टमाटर का जो वाटर है वो हल्का सा ना निकल जाए और बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करने से ये जलता नहीं है। बीच में ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। टमाटर में से वाटर हल्का सा निकल गया हो तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी के साथ ही गर्म मसाला और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने लगभग 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। एक बार इसको स्पैचुला से मिक्स कर लें। मिक्स करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बीच बीच में अगर मसाले जल रहे हैं तब आप फ्लेम को लो कर सकते हो। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके एक ढक्कन से ढक दें। ढक के बिल्कुल ड्राई हो जाने तक कुक करेंगे, जब तक ड्राई होके तेल अलग सा ना दिखने लगे। ये देखिए, अब ये ड्राई हो गया है और तेल अलग सा दिखने लगा है और बीच बीच में चलाते रहें। इसको थोड़ी देर तक और फ्राई करें, जब तक ये कुछ ऐसा ना हो जाए। ये देखिए, इसमें से तेल भी अलग सा दिखने लगा है और ये हल्का सा ड्राई हो गया है। जब ये कुछ ऐसा दिखने लगे तब इसमें मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। आप इसके प्लेस पे दही भी ले सकती हो या आप दोनों भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून मिल्क क्रीम ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 1-2 मिनट तक भुने, ताकि जो हमने मलाई ऐड की है वो अच्छी तरह से भुन जाए मसालों में। भुनने के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। अगर आप सब्जी में और अच्छा कलर चाहते हैं तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकती हो। हम इसे बिना रेड चिली पाउडर के बना रहे हैं। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हो। हल्का सा ज़्यादा वाटर ऐड करें, क्योंकि जब हम इसमें पीसेस डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे वो हल्का सा वाटर एब्जॉर्ब करता है। आप इसमें अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा वाटर ऐड करें, और अगर इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो कम वाटर ऐड करें। हम थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वाटर ऐड करने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आपको वाटर ऐड करना है एक्स्ट्रा तो ऐड कर सकते हो। अब इसे हाई फ्लेम पे कुक करें और बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए, अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक ग्रेवी हल्की सी थिक ना हो जाए और तेल ऊपर अलग सा ना दिखने लगे। ये देखिए, अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है। इस समय हम फ्लेम को मीडियम या लो कर देंगे और ग्रेवी के हल्का थिक हो जाने तक कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा थिक भी ना करें। जब ग्रेवी में से वाटर हल्का सा सूख जाए तब इसमें फ्राई किए हुए पीसेस ऐड कर दें। पीसेस जब ग्रेवी बिल्कुल पक जाए तब ही ऐड करें। एक बार इसको स्पैचुला से मिक्स कर लें। मिक्स करके हम इसे ढक के या खुला ही 1-2 मिनट तक कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक कुक ना करें। 1-2 मिनट में ही अच्छी तरह से कुक हो जाता है। ये देखिए, बीच बीच में चलाते हुए 1-2 मिनट कुक करें, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। आप इसे ढक के कुक करेंगे, बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे सर्व करें। आप इसे चावल की किसी भी रेसिपी के साथ सर्व कर सकते हो या आप रोटी पूरी के साथ भी सर्व कर सकती हैं।
हमारी पत्ता गोभी की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही अलग तरीके की सब्जी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।